हाय एवरीवन, मैरी क्रिसमस टू ऑल। आज की मेरी रेसिपी है क्रिसमस स्पेशल चॉकलेट केक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बोल के अंदर डालेंगे एक कप दूध। दूध के बाद ऐड करेंगे उसमें हम एक कटोरी चीनी, और जब तक इसको चलाते जाएंगे जब तक जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई है, और अब इसके अंदर हम तोड़ के ऐसे डालेंगे चार अंडे इस तरह से, और इन अंडों को भी अच्छे से हम इसके अंदर फेंट लेंगे। 3 से 4 मिनट लगातार इसी तरीके से इसको चलाएंगे। अब एक छल्ली लेंगे, उसमें डालेंगे हम 1.5 कप मैदा, 3 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर डालेंगे, बड़ा चम्मच लिया है मैंने। ऐड करेंगे इसके बाद 1/2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा और 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, और इन सारी चीजों को अच्छे से हम छान लेंगे। और अब इस मिक्सचर को अच्छे से हम मिक्स करेंगे, और 6 से 7 मिनट तक लगातार इसको इसी तरीके से ही चलाते जाएंगे। 5 मिनट लगातार इसको इसी तरीके से चलाया है, देखिए पोरिंग कंसिस्टेंसी हो गई है बिल्कुल। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेल्टेड बटर लगभग 3 से 4 टेबलस्पून, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। बटर के बाद ऐड करेंगे 2 to 3 टेबलस्पून वेलिडा एसेंस, और इसको भी मिक्स कर देंगे। और अब इस तरीके कंटेनर लेंगे और उसको हम बटर से ग्रीस करेंगे सारी साइड से, और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो बैटर रेडी किया है हमने, और अब इसको हम प्लेस करेंगे माइक्रोवेव में 10 मिनट। जब तक हमारा केक बेक हो रहा है हम चॉकलेट सॉस बना लेते हैं। इसके लिए पैन में डालेंगे 1 कप पानी, और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर, चीनी ऐड करेंगे 4 to 5 टेबलस्पून, और अच्छे से इसको हम बॉईल लगाएंगे। और अब ऐड करेंगे इसके अंदर हम बटर 2 टेबलस्पून, इसको भी अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट और सिम गैस पे इसको हम पकाएंगे। बनके रेडी है, और 10 मिनट भी हो गए हैं। अब हम केक चेक कर लेते हैं। 10 मिनट के बाद हमने केक को माइक्रोवेव से निकाल लिया है। आप चेक कर सकते हैं जो इसकी क्वांटिटी है वो डबल से भी ज्यादा हो गई है। केक बढ़िया बनके तैयार है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं टूथपिक की हेल्प से कि ये अच्छे से रेडी हुआ है या नहीं। देखिए बिल्कुल क्लीन टूथपिक निकल के आई है, इसका मतलब है कि ये अच्छे से बेक हो गया है। केक को मैंने एक बड़ी सी ट्रे के अंदर डाल दिया है, क्योंकि अब हम इस पे चॉकलेट सॉस की आइसिंग करेंगे। इस तरह से हम सारे केक पे चॉकलेट सॉस की आइसिंग करेंगे अच्छे से, सारे कॉर्नर से, बीच से, जिससे कि जो हमारी सॉस है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए केक के अंदर। अब इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से रख देंगे, जिससे कि जितने भी चॉकलेट सॉस है वो अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। केक बनके तैयार है, मैंने इसको एक प्लेट के अंदर प्लेस कर लिया है। आप चेक कर सकते हैं, देखिए कितना बढ़िया स्पंजी केक बनके तैयार हुआ है। और अब इसके पीसेस कट कर लेते हैं। इस तरह से एक पीस मैंने कट कर लिया है, देखिए केक हमारा तैयार है सर्व करने के लिए। I hope you have enjoyed the recipe. So please do not forget to like, subscribe and share to my channel. Thank you.